राजघाट थाने की पुलिस ने चार जालसाजों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि राजघाट थाने की पुलिस ने चार जालसाजों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी पहचान गैंग लीडर भोला कुशवाहा पुत्र भगवान दास कुशवाहा निवासी तुर्कमानपुर बर्फखाना थाना राजघाट गोरखपुर, दूसरा मोतीलाल कुशवाहा पुत्र बुद्धिलाल कुशवाहा पता तिवारीपुर थाना तिवारीपुर गोरखपुर, तीसरा राजेश कुशवाहा उर्फ घुरे पुत्र भगवान दास कुशवाहा निवासी तुर्कमानपुर बर्फखाना थाना राजघाट गोरखपुर, चौथा अनिल कुशवाहा पुत्र प्रसाद निवासी पटवारी टोला तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त व गैंग के सदस्य सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु व्यक्तियों को बहकावे में लेकर एवं उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन की चौहद्दी बदलकर फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार जमीन खरीद फरोख्त करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट द्वारा एक ऐसे भूमाफिया के खिलाफ गैंगस्टर किया है जो अपने आप को जमीन का कारोबारी बताता था, लेकिन जमीन के कारोबारी बताने के पीछे वह फर्जियों कूटोचित बैनामे करता था, फर्जी दस्तावेज बनाता था एवं उसके साथ साथ लोगों के पैसे ऐंठना एवं जमीन ना देने का काम करता था। उसके साथ साथ उस पर मनबढ़ई के भी मुकदमे दर्ज हैं एवं लूट का भी मुकदमा दर्ज है। इस तरह के चार लोगों जो भोला कुशवाहा, मोतीलाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा एवं अनिल कुशवाहा, इन चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा थाना राजघाट में दर्ज किया गया है एवं उसके साथ साथ उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी एवं आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है।